everybody. Happy birthday. Thank you. रात को यहाँ पे स्टार गेजिंग कमाल की, so beautiful. बोल रहा है लायन रहेगा नीचे, पर हमारी बेटी जो है उसका आवाज मुझे यहाँ तक आ रहा है कुछ, तो वहाँ पे 1 2 3 ट्राई कर रही है. Let's go. ये लोग कब आए कब निकले पता नहीं, बट इन लोगों ने मैं जितना किया उतना अभी, लेकिन अभी तक ओपन करूया आपण आधी, तू मम्माला हॅपी बर्थडे तर बोल. मम्माला इकडे बघ, इकडे जोर, इकडे बघून बोल. खरं थँक यू. म्याम म्याम, ओके लेट्स सी. म्याम म्याम बाय. जर तू मम्माला द्यायचा हॅपी बर्थडे. थँक यू. आवडलं? आणि तू काय खाते? चक्का. ओके creep them, crawl them, creep them, crawl them, right up to your chin, chin, chin. Open wide your little mouth, but do not let them. मम्मा, ओके. सुबह हो गई है और सब लोग तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं घूमने. कुठे जाते हैं बेबी? डाउन जाते. अच्छा ठीक है. सुबह काफी बारिश थी और सब गीला गीला और ब्यूटीफुल हो गया एकदम. माउंटेन क्या कहते हैं उसको, हिल स्टेशन जैसा एकदम प्यारा हो गया. और अभी बारिश रुक गई है सो हम अभी निकले हैं. दिस इज आवर होटल. सुबह में कल हमको शाम हो गई थी, बट आज जो सुबह बाहर निकले हैं बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. एकदम पेड़ों के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में ये होटल बांधा है इन्होंने, तो इट्स अ लवली फीलिंग. गुड मॉर्निंग गाइज. Hi, good morning everybody. Happy birthday. Thank you. रात को यहाँ पे स्टार गेजिंग कमाल की है. चलो लेट्स गो. लेट्स गो देन. आपको मिलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पे. हम आए हैं लायंस लुकआउट पॉइंट पे और यहाँ से जो मैं देख रही हूँ, अनबिलीवेबल. ओह माय गॉड, कनाडा इज सो ब्यूटीफुल. इसे लायंस लुक आउट कहते हैं, बट यू सिंपली हैव टू लुक आउट. अमेजिंग. पता नहीं नीचे जाना चाहिए कि नहीं, हम कुछ तो ट्राई कर रहे हैं. व्हाट, लायन इज हियर? एक बोल रहा है लायन रहेगा नीचे, क्योंकि पॉइंट का नाम है लायंस लुक आउट. क्या बोलने का, क्या अमेजिंग है यार. जायचं आहे का खाली? कुठून जायचं, कुठून आहे? दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल. वास्टनेस है, बहुत ब्यूटिफुल जगह है. पानी और ये छोटे छोटे आइलैंड्स बन रहे हैं बीच में, इज वेरी ब्यूटिफुल. तो इस तरफ लेक दिखता है और इस तरफ पूरा हंट्सविल का टाउन. ये है लेक का व्यू, देन दिस इज हंट्सविल टाउन जो नीचे है. ये दोपहर के 1:30 हो रहे हैं और हमने सोचा कि हमें खाना खा लेना चाहिए, सो हम आए हैं गोविंदास रेस्टोरेंट में. और ये यहाँ पे कल्चरल सेंटर भी है एंड दिस इज फ्रॉम इस्कॉन मस्कोपा. सो आई थिंक इट्स अ मंदिर
तो पहले हम मंदिर जाएंगे और वहाँ से फिर हम खाना खाने जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पता चला इट इज इस्कॉन मॉस्को का। या सो अच्छी जगह लग रही है, लेट्स सी। इट्स ब्यूटीफुल, मॉस्को का बहुत ही प्यारा है। वाओ टेंपल ये नहीं है। Milind had planned this all along. मुझे कोई आइडिया नहीं थी हम यहाँ आने वाले हैं, एंड उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू आस्क मी एंड डोंट इवन चेक कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं। टॉप ऑफ इट हम इस्कॉन आए हैं, मैं पहली बार इस्कॉन आई हूँ। अच्छा? हाँ, मैं इसके पहले कभी इस्कॉन नहीं गई। Really? I didn't know, मेरे बर्थडे पे मुझे इस्कॉन आने का मौका मिलेगा। अभी हम जाएंगे मंदिर की तरफ, बहुत ही प्यारी जगह है और इतनी शांति है कि हम एकदम। पर हमारी बेटी जो है उसका आवाज मुझे यहाँ तक आ रहा है कुछ, तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 कर रही है। लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट शी इज डूइंग। Big Jivan. Okay. This is the cafe. Hi. This is the cafe. Akshata और Tarini खा रहे थाली, रवि खा रहा है छोले भटूरे और मेरा खाना आना बाकी है। आ गया। आ गया। थैंक यू। तो हमने खाना खा लिया है और हम हंट्सविल के डाउनटाउन में वॉक करते करते जा रहे हैं। हंटर्स बे एक लेक फ्रंट है और देखते हैं क्या है। छोटा सा आर्ट गैलरी दिखी हमको, तो हम अंदर घुस गए। तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिस्ट और क्रिस्टल के दुकान है, हम उसमें से एक में घुसे हैं और बट दिखने में बड़े प्यारे हैं। लुक एट दिस रोज क्वार्ट्ज़। चक्रास को एनलाइटन करने के लिए
ये सारे स्टोन्स यूज करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट. मैंने अभी एक एमथिस्ट नोटिस किया. आई थिंक मैंने अभी तक इससे बड़ा एमथिस्ट कभी देखा नहीं है. It's almost 2.5 feet का एमथिस्ट. हाँ ले रहे उठा ले. जाएंगे कैसे लेके? और जूम में रख के पावर आएगा. पावर. एक और इंटरेस्टिंग स्टोर दिख रहा है मुझे, छोटे छोटे गिफ्ट देने के लिए और मेरा फेवरेट फ्रिज मैग्नेट लेने के लिए. उसका नाम है क्रिसमस टाइम. मैं एंट्री करने वाला हूँ क्रिसमस टाइम. ओ वाह, इस स्टोर में जो छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं वो क्रिसमस ट्री पे हैंग करने वाले गिफ्ट्स हैं. द होल स्टोर इज ओनली अबाउट डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री. मस्त कॉन्सेप्ट है. हम घुस गए एक एडवेंचर स्टोर में जहाँ पे स्वेटर्स जैकेट्स वो सब तो है ही, बट आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जो सामान लगता है, लाइक यू हैव नाइव्स एंड स्टिक्स एंड ट्रेल्स एंड ब्लेड्स. लुक एट दिस ब्लेड. कायक चलाने के लिए पैडल्स. आई गॉट दिस ओवर हियर. It's a magnet. I got this magnet. It's pretty. I liked it. And a boat too. Kayak bhi hai yahan par. So abhi hum jayenge is lake ke paas. Aur yahan pe we walk karenge. Walk by the bay. Hai. Pani. Pani. Eyes. Mount? Air? Air? Mount? Good place to have. Pizza hai re. Boston pizza ka ye hai. Wahan pe bahar baith ke pizza kha sakte ho. Saaf ho gaya to. Yeah, you can. You want to go? Go. No. ये लोग कब आए कब निकले पता नहीं, बट इन लोगों मतलब अमोल पूनम और ध्यान मंडे खत्म करके अक्षता को विश करने आ गए. दे सेड दैट दे कुडंट कम, बट क्योंकि ध्यान का स्कूल था, अमोल का ऑफिस था, बट आज वो आ ही गए. और सरप्राइज मिल गया है. हम लोग वहाँ पे घुसे और हम लोग देख रहे हैं कि इधर चला रहा है. मतलब देखा ऐसे से कर दिया. उसने मीटर के हाई किया ना, उसी बोलते हैं मामा. उसे देख लिया और वो बोल रही है मामा मामा मामा. और टाइमिंग ऐसा था कि मैं पलटा ना, तब मैं उसको अमोल मामा कुठे अमोल बोललो आणि ती पाठी बघते. अरे तू ये का टेम्पल है यार. इस्कॉन में भी देखा हम लोग लगा उधर से हटे. ये सब प्लान हुआ था पहले ही. अपन देंगे सरप्राइज और अपन वो दिन नहीं जाएंगे ताकि वो प्रेडिक्टेबल ना रहे की हेलो. और फिर हमने बोला कि
और फिर अपन ने सोचा कि ऐसा करने का कि जो वो लोगों ने सोचा नहीं है, आज नहीं सोचा मैंने, वैसा अपन डिलीवर करेंगे। और लकीली वो बराबर राइट स्पॉट पे भी हुआ, कि स्पॉट भी एकदम जबरदस्त था और लोग स्टेशनरी थे तो मजा आया। वापस आया क्योंकि अमोल पूनम और दियान हमें सरप्राइज दिया है। तारिणी खाते का हम वापस शाम का लायंस लुकआउट देखने वापस आ गए बिकॉज इट इज जस्ट 5 मिनट्स फ्रॉम द हंट्सविल टाउन। We've reached the hotel. Arshad chill mar raha hai thandi mein. Tarini so gayi hai. Beautiful jose jose. So ye hamare hotel ka private beach aur hum pahunch gaye time pe aaj to see the sunset from the hotel. सनसेट मिलना में अटता है। हम जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए, एक अच्छा स्पॉट ढूंढने। आता हेलो गुड इवनिंग शी इज अस्लीप शी इज गोना वेक अप इन सम टाइम We'll get her when she wakes up. Okay. Now she remembers you. There's a place called Torrance, some Torrance. Okay. It is specifically known to sky viewing. Dark sky viewing ke liye. Tarani so hi hai. Acha so hi hai. Jab uthegi tab wo maze karegi. दियान ऑलरेडी पहुंच चुका है। दियान को लग रहा है कि मैं पानी में कैसे कूदूं? क्या बात है यार, ये सीटिंग है? अरे बढ़िया है, देखा मैं सीटिंग हो गई। जाते हैं, पहुंचते हैं अभी। वाओ, सो हम यहाँ कल नहीं आए थे, इधर से भी शायद मिस ही होगा ना। पानी कितना क्लियर है, मुझे कैसे आएगा? रुक जा, थाउजेंड आइलैंड जब गए थे तब शिप से अपन जो बाजू में जो घर देख रहे थे, कॉटेजेस देख रहे थे, ये वैसा लग रहा है ना कि मतलब अभी हम नहीं आए थे कल यहाँ पे। ये भी तो प्यारा है, इतना प्यारा है, शांति है यहाँ पे। स्ट्रेस रिलीज करना है तो इधर आके बैठ जाते। Dian, you want to go in the water? The water is very cold. 1, 2, 3. सुबह आना चाहिए ना, सुबह आना चाहिए। सकाई हो गया, आज ना लॉकर से सोता है। प्यारा है, बड़ा प्यारा है। ये बोलो कि घर है यार खुद के। कहाँ? वो उन्होंने डेकोरेट भी किया है। खाना आ गया, खाना आ गया, खा लिया, खा भी लिया। और इसके जो चिकन टेंडर, चिकन टेंडर, अनियन जो फ्राइज है ना, स्वीट पटेटो फ्राइज, मींस मैंगो वाले, बहुत अच्छी। एक और है, हां हां, इसमें ये फ्राइज है। एंड यू कैन स्टार्ट। ये सैंडविच मुझे सही लग रहा है। सो हमारा खाना खा के हो चुका है, हम सब ने बहुत अच्छे से सब ने खाना एंजॉय किया। और अब बज रहे हैं रात के 9:30,
और अब ये डिसाइड हुआ है कि दाव को अर्जेंटली एक उसके ऑफिस का काम है, इसीलिए उसे निकलना पड़ रहा है। पहले प्लान जैसा था कि सब आज रात को ये साथ में यहाँ रहेंगे और फिर कल सब साथ में चेकआउट करेंगे, बट दाव को अर्जेंटली काम आया है जिसकी वजह से उसको निकलना पड़ेगा। सो दाव पदम दियान अभी निकलेंगे और 2 घंटे का रास्ता है तो वो घर पहुँच जाएंगे। हम जो है हम सुबह कल सुबह चेकआउट करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ। हमको लगा था हम सब आज रात साथ में रहेंगे, मज़े करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन तीनों को अभी निकलना पड़ रहा है। सो ये था हमारा आज का दिन जहाँ हमने बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर किया और अभी साथ में मिलकर खाना खाया। बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है मेरा, मुझे बड़ा मज़ा आया। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? सो आज अक्षता का बर्थडे है और वो लोग ऑलरेडी घूमने जा चुके हैं मस्को का, हम किसी कारण वश नहीं जा पाए उनके साथ, तो आज हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। Gonna be a surprise for Akshata because Akshata ka aaj birthday hai and usko lag raha hai ki hum log nahi aaye hain, to hum log usko Moscow ka lakes jaake ek surprise denge aur it will be a pleasant one hopefully. Okay, let's see, hum try karenge unka reaction capture karne ke liye, dekhte hain. Abhi aur 2 ghante hain hame pahunchne ke liye. Got it like that.